हाफ बोर बनाने वाले हैं, इसका टेम्परेचर बार बार डाउन हो जा रही है, इसीलिए मैं आपको ये खुलते हुए मैं आपको दिखाया, मैं इसे फिटिंग करते हुए दिखाऊंगा दोस्तों, नहीं तो कभी बड़ी हो जाएगी। देखिए मैंने ये नजर यूज़ कर ये सब खोल के आपको दिखाऊंगा, मैं ये फिटिंग करते हुए आपको दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये खोलना और फिटिंग करने में क्या होता है कि लंबा प्रोसेस हो जाती है, ये लंबी हो जाती है, तो आप देख सकते हो
टाइट नहीं कर से अब मैं दिक्कत हो रही है तो इसे आपको अच्छी तरह से टाइट करना ही पड़ेगा तब जाके ये टाइट हमारी हो चुकी है। हम इसका जो मैग्नेट है cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. I like your way, just for a while. I like your way.
डाल के पहले चेक कर लें कि इसमें गैप तो नहीं है, अगर गैप होगी तो फिर से ये प्रॉब्लम आएगी। मैंने ये चेक किया मगर आपको मैंने नहीं दिखाया, वो वहीं से जहाँ से हम रीबोर बनाते हैं वहीं से वो सेट करके देता है। तो आप भी जब भी इसे लगाएं तो बोल को चेक कर लें, पिस्टन का रिंग लगा के बोल को चेक कर लें कि कहीं गैप तो नहीं है।
Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it passes, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on the road. टाइट हो चुकी है वाल को, ये नहीं लेके गया है, एडजस्टमेंट करते हैं। हां यहां का जो दाग था ये दोनों मार्क यहां पर है, यहां का मार्किंग यहां पर है, आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं टेंशन जो है इसका टाइट कर देता हूं। आपको दिखा दूँ, तो यही टाइमिंग है मेरा, ये दोनों यहाँ पर एक धाग और यहाँ पर एक धाग दोनों बराबर है। आपको मैं दिखा, शायद आपको दिख रही है धाग, ये धाग दिख रही है और यहाँ पर एक धाग है, तो यही मेरा टाइमिंग है। और यहाँ पर देखिए मैंने दोनों टाइमिंग रखा है। ये बॉडी का सिंबल है, तो यहाँ से यहाँ जो ये है देख सकते हो मैं इसका टाइमिंग दूँगा। और यहाँ पे देखिए मैंने ये टाइमिंग मिला दी, तो मेरी टाइमिंग पक्का है ये। और यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर दूँगा, तो मेरा काम यहाँ का हेड का काम हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसका एडजस्टमेंट करता हूँ। इस तरह से मैंने ये दोनों का सेट कर दिया है। अच्छी से देखिए ये इस तरह से प्ले होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी दोनों को भी सही हिल रही है, तो ये सही है, ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों मैंने इसका जो हेड लोडिंग मतलब इसका लोडिंग जो है
हम इसको बिठा दिए, अभी कैब को बिठा के खाली गाड़ी को स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों ये यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में गाड़ी आपको मैं पूरी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये पूरी टाइट दे दी मैंने, ये हमारा पूरा टाइम हो गया, अब इसे पूरा हम स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैंने जो गाड़ी जो बोर्ड मैंने बना दी है, अब मैं आपको पूरा फिटिंग करते हुए कार्बोरेटर में वहीं पर फिट करके आपको पूरा दिखाऊंगा। खाली अब गाड़ी स्टार्ट करना है, पूरा स्टार्ट बोर्ड में आपको दिखाऊंगा। गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ये तो दोस्तों मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऑयल फिल्टर आती है, ये ऑयल फिल्टर इस तरह से रहती है, ये चेंज करें क्योंकि ज़रूरी है ये ऑयल फिल्टर चेंज करना, नहीं तो क्या होता है कि ऑयल बहुत। तो ये मैंने की है और देखिए गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है एक किक में। दोस्तों जब भी आप इस बोर का काम करें तो बोर का रिंग जरूर बिठा के चेक करें, और ये कार्बोरेटर कभी कभी बहुत सताती है, ये जब भी करें तो इसे कार्बोरेटर भी साफ़ कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।